All right, so hey, what's up everybody? This is Ajay Shinde back into the game with new video. तो दोस्तों finally हमारे पास आ गई है Firebolt की new smartwatch, Firebolt Nucleus. तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे इसका डिटेल में रिव्यू और आज के इस वीडियो के एंड तक आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको ये स्मार्ट वॉच लेनी चाहिए या नहीं. So without wasting time, let's get started. तो सबसे पहले देख लेते हैं इस पूरे बॉक्स का ओवरव्यू. बॉक्स ओवरव्यू की अगर बात करें तो यहाँ पर हमें फ्रंट में ही फायरबोल्ट न्यूक्लियस का एक्चुअल इमेज जो है वो देखने को मिल जाता है. 1.78 इंचेस का फुल टच डिस्प्ले, ब्लूटूथ कॉलिंग, राइट साइड में फायरबोल्ट की ब्रांडिंग हमें देखने को मिल जाती है, लेफ्ट साइड में 1.78 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले, 368x448 का पिक्सल रेजोल्यूशन, 120+ स्पोर्ट्स मोड, ब्लूटूथ कॉलिंग, IP67 वाटर रेजिस्टेंट और बैक साइड में हमें कई सारे फीचर जो है वो देखने को मिल जाते हैं. बात करते हैं बॉक्स कंटेंट्स की. तो सबसे पहले हमें देखने को मिल जाती है हमारी स्मार्ट वॉच, यूजर मैनुअल, मैग्नेटिक चार्जिंग केबल, गाना का सब्सक्रिप्शन, बुक माय शो का वाउचर और वारंटी रजिस्ट्रेशन कार्ड हमें देखने को मिल जाता है. अभी बात करते हैं बिल्ट और डिजाइन की. तो यहाँ पर ना हमें एल्यूमिनियम की बॉडी जो है वो देखने को मिल जाती है, सॉफ्ट सिलिकॉन स्ट्रैप्स देखने को मिलेंगे, मेटेलिक बकल यहाँ पर दिया गया है और ये जो स्ट्रैप्स है वो रिप्लेसेबल स्ट्रैप्स होने वाले. बैक साइड की अगर बात करूँ तो यहाँ पर हमें पूरा ग्लास फिनिश जो है वो देखने को मिल जाता है. यहाँ पर हम सेंसर देख सकते हैं, चार्जिंग पॉइंट हमें देखने को मिल जाता है, यहाँ पर हमें माइक की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है और दूसरी साइड यहाँ पर हमें स्पीकर ग्रिल जो है वो देखने को मिल जाते हैं. अभी बात करते हैं डिस्प्ले की. तो यहाँ पर हमें 1.78 इंचेस का ऑलवेज ऑन एमोलेड डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाता है. काफी क्लियर यहाँ पर डिस्प्ले हमें देखने को मिलता है, रेस टू वेक काफी बढ़िया है, साथ ही साथ आउटडोर विजिबिलिटी भी हमें काफी बढ़िया देखने को मिल जाती है. तो अभी देखते हैं फटाफट से इस पूरे स्मार्ट वॉच का यूजर इंटरफेस. वॉच यूआई की अगर बात करें तो जैसे आप टच और होल्ड करते हो तो यहाँ पर आपको वॉच फेसेस के ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएंगे. तो यहाँ पर आपको इनबिल्ट इन वॉच फेसेस देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर आप कस्टम वॉच फेसेस भी सेट कर सकते हो. ऊपर से नीचे स्वाइप करते ही यहाँ पर आपको पूरा कंट्रोल सेंटर जो है वो देखने को मिल जाएगा. ब्लूटूथ कनेक्शन, वाइब्रेशन ऑन ऑफ, फोन कनेक्शन ऑन ऑफ, यहाँ पर आपको ड्रेन वाटर, ब्राइटनेस, वेदर फोरकास्ट और सेटिंग्स के ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएंगे. सेटिंग की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले में ऑटो स्लीप जो है वो 30 सेकंड्स का मैक्स टाइम आउट जो है वो देखने को मिल जाएगा. मेन्यू स्टाइल में यहाँ पर आपको दो मेन्यू स्टाइल जो है वो देखने को मिल जाएंगी. उसी के ही नीचे ब्राइटनेस और वॉच फेसेस के ऑप्शन हमने देख लिए हैं. डिस्प्ले के नीचे यहाँ पर आपको वाइब्रेशन, लो पावर मोड, थिएटर मोड, फोन कॉल ऑन ऑफ, कॉल रिसेट, ऑलवेज ऑन. डिस्प्ले में यहाँ पर आपको दो ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएंगे, डिजिटल क्लॉक और एनालॉग क्लॉक. उसी के ही नीचे फाइंड माई फोन सिस्टम में यहाँ पर आपको रिस्टार्ट, पावर ऑफ और रिसेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे और उसी के ही नीचे यहाँ पर आपको लास्ट में अबाउट का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएगा. राइट से लेफ्ट स्वाइप करते ही यहाँ पर आपको फोन कॉल के ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएंगे. स्टेप काउंटिंग मतलब यहाँ पर आपकी एक्टिविटी ट्रैकिंग की जाएगी, AI वॉइस असिस्टेंट, हार्ट रेट, SPO2, यहाँ पर आपको वेदर फोरकास्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पर आप बहुत सारे कंपोनेंट्स भी ऐड कर सकते हो. नीचे से ऊपर स्वाइप करते यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिल जाएंगे. लेफ्ट से राइट स्वाइप करते यहाँ पर आपको फायरबोल्ट न्यूक्लियस का मेन मेन्यू जो है वो देखने को मिल जाएगा. तो फायरबोल्ट न्यूक्लियस के मेन्यू की अगर बात करें तो यहाँ पर आपकी स्टेप काउंटिंग की जाएगी, फोन कॉल, हार्ट रेट, स्लीप, SPO2, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज रिकॉर्ड्स, मैसेज, AI वॉइस असिस्टेंट, ब्रीथ मोड, वेदर, शटर, प्लेयर, अलार्म. में यहाँ पर आप टाइमिंग वगैरह एडजस्ट नहीं कर सकते, आपको ऐप से ही इसे एडजस्ट करना होगा, सिर्फ आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो. उसी के ही नीचे स्टॉप वॉच, टाइमर, पीरियड, कैलकुलेटर, फ्लैशलाइट, ऐप QR कोड और अदर्स में यहाँ पर आपको वापस से सेटिंग्स के ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएंगे. दोस्तों यूजर इंटरफेस की अगर बात करूँ तो काफी क्लासिक यूजर इंटरफेस हमें देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ टच रिस्पॉन्स ना काफी बढ़िया हमें देखने को मिल जाता है. और इतना ही नहीं, ये जो क्राउन है वो वर्किंग क्राउन होने वाला है. अभी बात करते हैं इस वॉच के हाईलाइट फीचर की. तो सबसे मेन हाईलाइटिंग फीचर है ब्लूटूथ कॉलिंग. तो दोस्तों इसका एक सैंपल हम लोग देख लेते हैं. हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, परफेक्ट, क्लियर आ रही है? क्लियर है. ओके 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 ओके. वैसे भी बारिश बहुत है, फिर भी आवाज अच्छी आ रही है ना? हाँ, अच्छी आ रही है, क्लियर है. ओके 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 ओके. सेकेंड हाईलाइटिंग फीचर है AI वॉइस असिस्टेंट का. जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमें टॉक बैक का भी सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है. हाउ इज द वेदर टुडे? 82 with rain. Today there'll be thunderstorms with a high of 83 and a low of 77. थर्ड हाइलाइटिंग फीचर है म्यूजिक कंट्रोल के साथ साथ यहाँ पर आपको म्यूजिक प्लेबैक का भी सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है. All
इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको इनबिल्ट कैलकुलेटर भी देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर कैलकुलेशन वगैरह आप इजीली आपकी ही वॉच के ऊपर कर सकते हो। और एक हाइलाइटिंग फीचर है जो कि है वाटर ड्रेनेज का। जी हाँ दोस्तों, आपके स्पीकर में अगर कोई भी पानी वगैरह जाता है तो आप उसे ड्रेन कर सकते हो। बात करते हैं हेल्थ फीचर्स की, तो यहाँ पर आपकी हार्ट रेट मॉनिटरिंग की जाएगी, SPO2 मॉनिटरिंग, स्लीप मॉनिटरिंग, ब्रीथ मोड दिया गया है, फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का भी सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। और इसकी एक्यूरेसी की अगर बात करूं तो हार्ट रेट मॉनिटरिंग में हमें ऑलमोस्ट सेम ही डाटा देखने को मिल रहा था, SPO2 मॉनिटरिंग में 2 रीडिंग्स का डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा था। और स्पोर्ट्स मोड की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको 120 प्लस स्पोर्ट्स मोड जो है वो देखने को मिल जाते हैं, और साथ ही साथ इन्हें ग्रुप्स में कैटेगराइज भी किया गया है। और इसके एक्यूरेसी की अगर बात करूं तो जब मैं 100 स्टेप चला तब यहाँ पर 104 का काउंट आया, और जब मैं 200 स्टेप चला तब यहाँ पर 206 का काउंट आया। मतलब दोस्तों हमारी एक्टिविटी ट्रैकिंग भी काफ़ी प्रॉपरली की जा रही है। और वाटर रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो ये जो पूरी स्मार्ट वॉच है वो IP67 रेटेड वाटर रेजिस्टेंट होने वाली है, साथ ही साथ यहाँ पर हमें वाटर ड्रेनेज का भी फंक्शन जो है वो दिया गया है। और बैटरी की अगर बात करें तो यहाँ पर कंपनी ने क्लेम किया है कि आपको 7 डेज का बैटरी बैकअप जो है वो देखने को मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों जब मैंने इसे पर्सनली यूज किया तो मुझे अराउंड ना 4 डेज का बैटरी बैकअप देखने को मिल रहा था। बात करते हैं एप्लीकेशन की, तो वही आपको दाफिट नाम का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है, उसी के साथ पेयरअप कर लेना है, बाकी के सेटिंग्स वगैरह जो है आपको उसी में ही देखने को मिल जाएंगे। अभी आते हैं फाइनल कंक्लूजन के ऊपर, तो दोस्तों इसकी प्राइसिंग है 3799 रुपीज़। और दोस्तों इस प्राइस में यहाँ पर आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, ब्लूटूथ कॉलिंग है, बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स है, हेल्थ की एक्यूरेसी अच्छी है, स्पोर्ट्स की एक्यूरेसी अच्छी है, वाटर ड्रेनेज का भी फंक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। हाँ इसमें गेम्स नहीं है, तो अगर आपको गेम्स पसंद है तो आप दूसरे वॉचेस के लिए जा सकते हो, मुझे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता। और अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बस दोस्तों यही था आज की वीडियो में, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक करो, चैनल बने हो तो सब्सक्राइब करो। टिल देन बाय बाय, दिस इज आशीष शिंदे ओवर एंड आउट।